राम राम, जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? मेगा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और पीछे कपड़े दिख रहे होंगे, वो उनको इग्नोर करना क्योंकि वो प्रेस के कपड़े रखे हैं। और उठ चुके हैं, पूजा सब कर लिए, नहा धो लिए, पूजा भी कर लिए, अब करेंगे नाश्ता। ला के रख लिया है, और नाश्ते में आलू के पराठे और चाय। और मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। और आप सोच रहे होंगे बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत दिनों से चल रही थी मेरी तबीयत ख़राब, अब थोड़ी तबीयत ठीक है। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि लगातार ब्लॉग आए, और आप हमें सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्राइब भी नहीं हो रहे ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा मन भी हो रहा है कि उदास सा कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे बिल्कुल भी। वो देखो हंस रही है मुझे देख के। और आइए अभी ऊपर से पूजा वगैरह सब हो चुकी है। एक मिनट रुको, मैं टीवी की आवाज़ पहले कम कर देती हूँ। सफाई भी सारी हो चुकी है, और अब करेंगे हम नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने बनाया आलू का पराठा, जो कि मुझे नहीं खाना था, बस ये खाएगी। और चाय ले आए हैं अपनी, और अब कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। धूप, ठंडियों में यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती, हमको ऊपर जाना पड़ता है। और गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप कि हमें अंदर जाना पड़ता है। पूरे में आ जाती है धूप, और गर्मी लग रही है बहुत तेज से क्योंकि लाइट नहीं आ रही। तो गाइज, ये मैंने शाम के खाने के लिए काट लिए भिंडी, इसमें काटी प्याज और हरी मिर्च, थोड़ी ज़्यादा कटी है क्योंकि मैं थोड़ी बनाऊंगी कढ़ी भी साथ में, क्योंकि कढ़ी नहीं खाएंगे निक्कू के बाबा, तो उनके लिए बनेंगी भिंडी, कढ़ी अपने लिए बनाएंगे क्योंकि कई दिन से मन कर रहा कढ़ी खाने का। और इधर आ गई चाय शाम की, इधर निक्कू की हो रही है तबीयत ख़राब, उसके हो रहा है पैर हाथों में दर्द, तो ले रही है गोली। और चलो बनाते हैं भिंडी, दिखाते हैं आपको, और कढ़ी भी बनाएंगे थोड़ी। चलो दिखाते हैं आपको पहले, अब ये काट के तो रख लिए मैंने, अभी बच गए 6, और चलो लगते हैं बनाने में। अभी इधर मैं टीवी भी देख रही थी, ये भी काट लिया, मैं यहीं पे बैठे बैठे काट लेती हूँ ये। अब काट के चलते हैं रसोई में, करते हैं भिंडी बनाते हैं और करते हैं कढ़ी बनाने की तैयारी भी। और टफी देखो वहाँ पे सो रहा है। और ब्लॉग में कुछ खास तो है नहीं अभी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। घर घर में ही जैसा भी है, छोटा मोटा जैसा भी बन रहा है ब्लॉग, आप हमारे ब्लॉग को पसंद करना। और चलो मिलते हैं आपको रसोई में। गाइस, ये भिंडी मैंने छोंक दी है, इसमें बस ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, बस प्याज और हरी मिर्च डाली है और नमक डाल दिया है। अभी ये बन रही है, धीरे धीरे आँच पर बन जाएंगी। और इधर मैंने कर लिया उसका, ये देखो जीरा थोड़ा काला भी हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये बैटर जो कढ़ी का बनाया है, इसके अंदर। उड़ गई, धुआं हो गया सारे में। अब इसको चला लेंगे, जब तक उबाल नहीं आएगा जब तक चलाते रहेंगे कढ़ी को, तो इधर ये कढ़ी भी बन जाएगी। और इधर मैं पकोड़े के लिए कर लेती हूँ बैटर तैयार, इसमें डाल देती हूँ पहले हल्दी और मिर्च, नमक डालेंगे बाद में उबलने के बाद, उबाल आ जाएगा जब। चलो ये मैंने बेसन निकाल लिया है इसके लिए, इसमें मसाले डाल देती हूँ और करती हूँ, और मिलते हैं आपको फिर बनाते हुए दिखाते हैं। गाइस, ये भिंडी भी ऑलमोस्ट बनी गई है, बस हल्की फुल्का सा और वो कसर बनने वाली है बिल्कुल। और ये देखो कुछ भी इनमें, जैसे कि तार वार सा होता है, वो कुछ भी नहीं है मेरी भिंडी में बिल्कुल भी, मतलब मैं बनाती हूँ जब ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनती है। और इधर कढ़ी हो रही है, उबल रही है, ये मैंने छोटे उसमें बनाई है कुकर में, क्योंकि थोड़ी बनानी थी तो इसलिए मैंने छोटे उसमें बना लिए। ये कुकर इसलिए पकड़ने में आसानी होती है ना, इसे हैंडल पकड़ के कर लो कुछ भी, इसे पकड़ उठा लो, तो इसलिए मैंने इसमें रख दी बनाने। इधर पकौड़े के लिए भी मैंने बेसन कर दिया है, बना लेते पकौड़े। आटा भी गूंदना है क्योंकि बनेंगे रोटी, क्योंकि रोटी खाते हैं चावल, मुझे पर मैं और निकू खाएंगे चावल, और इस कारण उसके बाबा खाएंगे रोटी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। इधर टफी देखो,
अब रसोई में काम कर रही हूँ तो रसोई में आके लेट गया है। पीछे से पंखे की आवाज आ रही होगी ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं निकू के बाबा किसी से फोन पे, तो उनकी भी आवाज आ रही है। निकू अंदर ही बैठी है, अंधेरा हो गया, 7 बज गए। इधर मैं बना रही हूँ रोटी, ऊपर तो भेज दी है, इधर दूध गर्म हो रहा है, इधर पकौड़े के लिए तेल रख दिया क्योंकि कढ़ी तो ऊपर भेजनी नहीं है। और ये देखो इस निक्कू ने धोया, ये देखो गाइस दूध भी गर्म हो गया है, रोटी बन रही है, इधर ऊपर भेज दी है और इधर मैंने पकौड़े के लिए तेल रख दिया, तो ये मैं पकौड़े बनाऊँगी। और ये बन गई भिंडी, भिंडी को देखो तेल तेल सा अलग हो गया है, ये बन गई भिंडी। और इधर पकौड़े बना लेते हो मैं, तेल दूध भी गर्म हो गया, दूध रख देते हैं और बन रही रोटी, रोटी जल जाएगी। मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, ऊपर इनके बाबा के लिए भेज चुकी हूँ, भेज दिए रोटी, और अब बना लेते हैं अपने लिए। अब चावल भी बनाऊँगी थोड़े से अपने लिए और निक्कू के लिए। इधर मैंने तेल रख दिया है पकौड़ी बनाने के लिए, पकौड़ी बन रही है, ये कढ़ी खूब बन गई है, मतलब पूरी देख लो जल जल के कितनी रह गई है खदक खदक के। और ये बनी है भिंडी देखो, और इधर दूध का भी, दूध भी गर्म हो गया है। चलो अब बना लेते हैं, तेल की वजह से तया बिल्कुल ऐसा हो गया है, जल गया बिल्कुल। खैर ये तो मंच के हो जाएगा साफ, अभी रोटी बना लो, पहले रोटी बना लेते हैं फिर मिलते हैं। इधर निक्कू कर रही है थोड़ी सी हेल्प, उसमें पकौड़ी डाल रही है क्योंकि मैं बना रही हूँ रोटी, तो रोटी जल जाएंगी इसलिए मैंने इसे बुलाया कि पकौड़ी तू डाल दे इसमें और बना ले इनको। चलो जी मिलते हैं आपको इनको बनाने के बाद। गाइस हमने खाना वगैरह खा लिया है और अब आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।